वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। दिस इज नाउ ब्लॉगिंग। कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग यार। और अभी चलते हैं सेरू को लेके, उसको घुमाने, क्यों घुमा नहीं आएगा सुबह से। चलो सेरू, चलिए उसको लेके चलते हैं घुमाने। अभी थोड़ा घूम लो। और पापा का डे ड्यूटी है, यस हाँ डे ड्यूटी है सर। नाइट ड्यूटी नहीं है आज, नाइट ड्यूटी था ना, आया नहीं। चलो चलते हैं इसको लेकर घुमाने। पहले ये देखिए महाकाल को, बहुत जल्दी है, इसको जोर से लगा भी हो रहा है यार। सुबह से बेचारा गया नहीं है, गलती मेरी, मैं ही सो जा रहा हूँ आजकल। तो बेचारे को सुबह सुबह लेके नहीं जा पाऊँ। जल्दी जल्दी चलो 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 जल्दी जल्दी चलो। और आज तक कार भी देखता हूँ, स्टार्ट कर दूँगा यार। महीना दिन से ज़्यादा हो गया ऐसी पड़ी हुई है, डीजल भी लेना है एक दिन कार में। बहुत बुरा हाल है यार, अभी बनवाना भी है, पता नहीं उसका हेडलाइट वगैरह काम नहीं कर रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम है उसमें, तो सब भी मुझे ठीक कराना पड़ेगा ना। तो सब भी ठीक कराना है और देखते हैं हो जाएगा। लेकिन एक दिन तो करवाऊँ मैं ठीक, एटलीस्ट अभी 30,000 जैसा लगेगा मुझे लगता है गाड़ी में, स्पीकर से नॉल ठीक करा कर। और इसका पुराना सेटअप जो है वो भी डलवाना है उसमें, और एक स्क्रीन टच स्टीरियो सोच रहे हैं डलवा दें, देखते हैं क्या होता है। इसका पुराना सामान गाड़ी का निकला हुआ ही सारा उठा के उसमें डलवाना है। मेरी कार का स्पीकर आई जैसे कार आज है संडे और सुबह सुबह इधर मिलता है मच्छी अच्छा खासा। लेकिन आज हमारे घर में है, मुझे पता है 80 कितनी सारी मच्छियाँ हैं उधर। लेकिन यार 8 बजे भी मानना पड़ेगा, काफ़ी खिला खिला धूप है इधर और काफ़ी मज़ा आ रहा है इधर चलने में। वो तो अलग बात है कि आज साफ़ सफाई नहीं की लग रहा है वो कचड़ वालों ने। अरे वाह साइकिल बना दिया आपने, यही सोच रहे होंगे ना। और बजाव भाव कौन मेरा भी गया सेठ के चलते में। इस बेचारे को बहुत जोर से आई थी 2 नंबर एक नंबर, मेरे से छटपट आ रहा है। आप एक को भी तुरंत कर सकते हैं। सो हे गाइस, अभी आ गया सेरू का बिस्किट, देखते हैं क्या आया है इसका। सेरू के बिस्किट मतलब एक्चुअली इसका बिस्किट खत्म होता है, पापा ने बोला था लाने के लिए, तो ये मंगाया, काफ़ी सस्ते में पड़ गया अपने को, ऑफर में था इसके चक्कर में। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं कैसे आया है। मतलब ये बहुत समय से यही बिस्किट मंगा रहा हूँ मैं उसके लिए, ये काफ़ी सही बिस्किट है। पता नहीं यार, एक्चुअली देखना पड़ता है। एक बार इसका पैकेट फटा हुआ आ गया था, जिसकी वजह से फालतू में डर भी तो लगता है ना। ये 1 केजी का पैकेट है गाइस, देख सकते हैं आप सेरू का हड्डी, ये 1 केजी का पैकेट है। और ये मुझे पड़ा एक्चुअली फ्लिपकार्ट पे, मेरे को ये पड़ा 165 करके पड़ा। एक्चुअली आते महंगा है, लेकिन मेरे को ऑफर लगा दिया मैंने, इसकी वजह से ये सस्ते में निपट गया मेरे को। और एक्चुअली क्या ना गाइस, ये बिस्किट ना मेरे पास बहुत पड़ा रहता है। क्यों पड़ा रहता है मैं वो भी बताता हूँ आपको, क्योंकि एक्चुअली सेरू कभी भी आता है, उसे कोई भी काम कराना होता ना, तो मुझे इसका सहारा लेना पड़ता है। देखिए ना मेरे पास ऐसे पड़े हुए हैं, पड़ा हुआ रहता है मेरे पास, यहाँ पर रखा रहता हूँ। जैसे ही सेरू से कोई काम कराना होता है, फटाक से एक बिस्किट दो, वो काम करके फटाफट करके दे देगा मेरे को। इसके लिए ला के रखना पड़ता है उसको बिस्किट, बहुत वो है यार। और देख रहे हैं कितना कम है, कचरा फैला के रखा हुआ है, ये पता नहीं कहाँ से फूल पौधे उठा के लाया है, कचरा करके रखा हुआ है रूम में पूरा। इसका बस चले तो पता नहीं कितना बैंड बजाएगा, मतलब हद है यार, मतलब कुछ सोचता नहीं समझता नहीं है यार। पता है एक्चुअली सीन ऐसा हो रहा है कि इतना ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रहा हूँ मैं ना, कि मुझे भी पता है एक्सरसाइज नहीं है और ईटिंग बहुत ज़्यादा हो जा रहा है।
यार एक्चुअली अगर आप एक्सरसाइज वगैरह मतलब ना करो ना ऐसे, मतलब एक दिन घर में बैठ जाओ, पता नहीं कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। ऐसे करके बहुत कुछ खा लिया मैंने, कल से जिम रेगुलर हो जाएगा। जो बीच में रिव्यू के चक्कर में जो 3 दिन का बैंड बजाया था मैंने अपना, वो नहीं बजवाना भाई, बहुत हो गया। 3 दिन में ऐसा लग रहा है ना हालत ख़राब है अभी। फिर जैसे ही जिम ज्वाइन करूँगा फिर फुल बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाएगा। वो भी तो होता ही क्यों है जानते हैं, इशू ये है ना होने का कि मतलब एक्चुअली सीन क्या पड़ता है ना कि काफ़ी दिन के बाद मोबिलिटी चली जाती है, फिर कुछ भी हैवी वेट्स उठाते हैं फिर वही लैक्टिक एसिड वाला सीन आ जाता है। पर आई डोंट नो 3 दिन में आएगा नहीं आएगा, थोड़ा बहुत ही आएगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे स्टार्टिंग में मेरे को 1 मंथ तक पेन हुआ था, लेकिन अब भी थोड़ा बहुत ही होगा, ज़्यादा कुछ होगा नहीं। कल से जिम भाई अपना स्टार्ट करते हैं एक्चुअली। और अभी तो क्या करना है, अभी कुछ करते हैं, कुछ पीते हैं, नीचे से लाते हैं, गर्म पानी पीते हैं थोड़ा, थोड़ा मूड को फ्रेशन अप करते हैं। और अभी तो यार सीन ऐसा है कि अभी पानी भी डालना पौधों में, अब अभी नहीं थोड़े टाइम के बाद डालेंगे एक बार वो हो जाए तो। फिलहाल तो चलते हैं गर्म पानी करते हैं और पीते हैं। सो फाइनली गाइस मैं निकल रहा हूँ गुरुद्वारा, देखते हैं कहाँ पे है, मैंने भी नहीं देखा गुरुद्वारा कहाँ पे। तो चलिए आप भी थोड़ा घूम लीजिएगा। तो ये नहीं रहा क्या पहली बार? बहुत खाया पिया यही है वो शख्स जो आज गुरुद्वारे का प्रसाद खत्म करके जाएगा। सो फाइनली गाइज आई एम बैक फ्रॉम द गुरुद्वारा, और गुरुद्वारे से मैं आ चुका हूँ, आया नहीं हूँ मतलब घर पहुँचने वाला हूँ। फिर देखिए घर की तरफ जा रहे हैं। अभी घर पहुंचने ही वाले हैं और पहुंच के ब्लॉग को करते हैं एंड आज के, और खाना वाना तो खा के हैं तब घर पानी पीना है। तो चलिए घर में चलते हैं। आ गए हैं क्या सर, कैसे हो? तो आज का ब्लॉग एंड कौन करेगा? सिर तू ही करेगा हाँ, मुआ तो तरफ है घर की भी तो अबे घूम के लिए तो ना, बट हम नहीं जब खाना खा ले घुमा दे कल घूम ठीक है। सो गाइस प्लान तो ये था कि अभी घर जाके वीडियो एंड करेंगे, लेकिन ये नमूना देखिए खिंचा खिंचा के सरकार है अपने आप को। तो अभी इसको घुमाने के लिए लेकर आ गए रात में, और देखिए इसका लड़ाई भी होगा, किसी ना किसी से पक्का भिड़ेगा। पक्का भिड़ेगा बोला था ना, देखिए सामने जो जा रहा है उससे ही भिड़ेगा ये। तो गाइज आज वॉकिंग तो बहुत हो गया यार, बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब हद से ज़्यादा वॉक करके आए, मतलब 5-6 किलोमीटर जैसा घूम लिया है। अभी फिर इसको लेकर जा ही रहे हैं घुमाने, और अपना बैंड खुद ही बजवा रहे हैं। ये सही है ना, वर्कआउट बहुत दिन से नहीं, थोड़ा मोबिलिटी आ जाएगा बॉडी में, तो आराम से कल जिम हो जाएगा है ना। तो अभी चलिए फटाफट इसको घुमाते हैं, इसका सुसु ही ख़त्म नहीं हो रहा है, तो फटाफट घुमाते हैं और उसके बाद वीडियो को अब रास्ते में एंड करेंगे। घर पे जाने की ज़रूरत है नहीं वैसे, कुछ खास है कि नहीं, या घर पे ही करते हैं यार एंड, बहुत एक्स्ट्रा नॉइज आ रहा है इधर। सो गाइस फाइनली सिर को घुमा के घर आ चुके हैं, और आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, काफ़ी थक चुके हैं। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, चैनल का नाम है देसी नाइट ब्लॉगिंग। बाय बाय डाडा, सी यू, गुड नाइट।